नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज में। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया से 3 घंटे पूछताछ करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है। हिरासत से छूटने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी, दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन रेखा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि जिस मामले में उन्हें नोटिस भेजा गया था, वह नोटिस अभी तक उन्हें मिला ही नहीं है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया से जानकारी मिलने के बाद वे आज आयोग के सामने पेश हुए थे। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे चेयरमैन के रूम में गए तो वहां उनके साथ भद्दे तरीके से पेश आई, उन्हें धमकाया भी। पुलिस भी थाने में मुझसे पूछताछ करने के बजाय कहने लगी कि इन सारी चीजों में क्यों पड़ रहे हो, ताकतवर लोगों से क्यों लड़ रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं गोपाल हूं और ये कंस की औलाद है, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। गोपाल इटालिया ने मीडिया को बताया कि जब वो महिला आयोग गए तो मेरे वकील को बाहर ही रोक लिया गया और बताया गया कि वे वकील को नहीं ले जा सकते। उन्होंने बताया कि चेयरमैन के रूम में जैसे ही वे घुसे तो चेयरमैन ने बहुत भद्दे तरीके से कहा कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम बदतमीज हो, लेकिन मैं शांत रहा। इस दौरान उन्होंने धमकाया भी। उन्होंने झूठा केस दर्ज कर जेल में डालने की भी धमकी दी। आप प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जिस मामले में मुझे नोटिस दिया गया था, चेयरमैन ने उस पर मेरा कोई बयान ही नहीं दर्ज कराया। कुछ देर बाद आयोग ने पुलिस को बुला लिया, पुलिस से कहा कि इसे ले जाकर थाने में रखो। उन्होंने बताया मेरे वकील को पुलिस ने नहीं बताया कि मुझे कहां ले जाया जा रहा है और वकील को गलत जानकारी देकर मुझे किसी और थाने ले जाया गया। दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल देख न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।